बिग बॉस के 13वें सीजन का क्रेज अभी खत्म नहीं हुआ है। फैंस अभी भी आसिम रियाज, सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल को लेकर सोशल मीडिया पर टकराते नजर आ जाते हैं। इन सबके बीच सलमान खान होस्टेड शो के 14वें सीजन की तैयारी की खबरें भी सामने आने लगी हैं। खबरों की माने तो घर में एंट्री के लिए सेलेब्स की तलाश भी शुरू हो गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक शो के मेकर्स प्रतिभागियों की लिस्ट लगभग फाइनल कर ली है। रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि 30 प्रतिभागियों को छांटा गया है। इनमें से 16 को अंत में तय किया जाएगा। जिन सेलेब से संपर्क किया गया है उसमें टिकटॉक स्टार आमिर सिद्दीकी का भी नाम बताया जा रहा है। गौरतलब है कि आमिर पिछले कुछ समय से काफी सुर्खियों में रहे हैं। आमिर सिद्दीकी एक फेमस टिकटॉक स्टार है। सोमवार को भारत सरकार ने टिकटॉक समेत 59 मोबाइल एप्स को बैन कर दिया। बैन होने से पहले टिकटॉक पर आमिर के करीब 3.8 मिलियन फॉलोअर्स थे। आमिर तब चर्चा में आए जब यूट्यूबर कैरी मिनाटी ने उन्हें रोस्ट किया, इसके बाद यह वीडियो काफी वायरल हुआ। हालांकि बाद में यूट्यूब ने इसे हटा दिया। आमिर ने यूट्यूब कम्युनिटी को लेकर कई किस्म के सवाल खड़े किए थे। इसके बाद कैरी ने रोस्ट वीडियो बनाया था। इस वीडियो को लेकर इंटरनेट पर काफी खूब बहस हुई थी। बिग बॉस 14 से जुड़ी ऐसी ही और भी कई खबरें सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग खबरों के लिए।